हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 8 Pro के अंदर हम किस प्रकार से कॉल सेटिंग्स देख सकते हैं, मतलब स्मार्ट कॉल सेटिंग्स कर सकते हैं, और जो सेटिंग्स रहने वाली है उनसे आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है काफी अच्छा हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको डायलर के अंदर जाना है और यहाँ से हम रिसेंट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली सेटिंग्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे कि आपको पता होगा ये गूगल डायलर है, तो इसमें लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो क्विक रिस्पॉन्स नाम का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार मैसेज देखने को मिलते हैं। अब ये मैसेजेस क्या हैं और कैसे काम करते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कांट टॉक नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। दूसरा, आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई विल यू कॉल बैक, ठीक है। और आई कांट टॉक नाउ, कॉल मी लेटर। ये आपको यहाँ पे चार मैसेज देखने को मिलते हैं। अभी इनका आप कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आती है और आप उस बंदे से बात उस टाइम नहीं करना चाहते, उसको एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो इन चारों में से कोई मैसेज आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्सेस। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको कॉलिंग अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल्स का पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्लैश ऑन कॉल। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट जो ब्लिंक करेगी जब आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी। ओके, फिर आपको ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो आंसर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो आंसर को आंसर कर मतलब इनेबल कर लेना है। तो ये कैसे काम करता है, जब आपका फ़ोन किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस या फिर किसी भी हेडफोन से कनेक्टेड है तो 5 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। ओके, इसको अगर आप चाहें तो 3 सेकंड और 10 सेकंड भी रख सकते हैं इसका टाइमिंग। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे कॉल सेटिंग्स देखने को मिलेगा, वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर एंड डिक्लाइन, मतलब एंडेड, जब आप कॉल आंसर करेंगे या कॉल कट करेंगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यूज़ पावर बटन टू हैंग अप, ठीक है, व्हील स्क्रीन इज वेल स्क्रीन इज ऑन, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन ऑन होगी और आप पावर बटन प्रेस कर देंगे तो आपका कॉल जो है वो कट जाएगा। ओके, तो कैरियर कॉल सेटिंग्स हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका कॉल फॉरवर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एडिशनल सेटिंग में जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉल वेटिंग वाला फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट कर ले रहे हैं, कॉल वेटिंग वाला सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि अगर आपके पास इनकमिंग कॉल ज़्यादा आती हैं, सेम टाइम पे आपके पास बहुत सारे फोन आते हैं, तो आप इसको इनेबल ही रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो गाइस, ये कुछ सेटिंग्स थी, चलिए मैं आपको भी कुछ और सेटिंग्स बताता हूँ जब तक इसको अपडेट हो जाने देते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर गूगल डायलर रहता है तो बहुत लिमिटेड ही सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ब्लॉक नंबर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर जाके आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके आप देख सकते हैं तो फ्लिप टू साइलेंस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपके फ़ोन के पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी, आप बस अपने फ़ोन को फ्लिप कर देंगे, मतलब कि आपका जो फ़ोन का जो फेस है, ठीक है, उसको डाउन कर देंगे, फ्लैट सर्फेस, तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये कुछ सेटिंग्स थी, चलिए कुछ सेटिंग्स और हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, कुछ कॉलिंग सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, और यहाँ पे आपको जाना है कन्वीनियंस टूल्स के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको जाना है जेस्चर एंड मोशन के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये है कुछ कॉल से, जैसे ऑटो एयर पिकअप्स कॉल, अगर आप इसको नंबर रखेंगे तो अपनी कान के पास फ़ोन ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी है ऑटो स्विच टू एयर रिसीवर, अगर इसको नंबर रखेंगे तो आपका फ़ोन सपोज करो कि आप स्पीकर पर बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन अपने वापस से इस वाले रिसीवर पे करना है, तो आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना, अपना फ़ोन अपने कान के पास ले जाना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीवर में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है, ये वाला फीचर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कुछ स्मार्ट कॉल सेटिंग्स थी। चलिए गाइस, अगर हम वीडियो कॉलिंग के बारे में बात करें, आप वीडियो कॉलिंग को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। सपोज करो अगर हम इस मतलब किसी भी नंबर को कॉन्टैक्ट में मतलब वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसको डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप उसको डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।